पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आगामी त्योहारों को लेकर आज पुलिस लाइन में एडीजी बरेली ने पीस कमेटी की बैठक ली। बैठक में व्यापारियों से लेकर समाज सेवी तक सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान डीआईजी मुरादाबाद और एसएसपी मुरादाबाद भी साथ रहे। एडीजी बरेली ने कहा कि मुरादाबाद जनपद में पीस कमेटी की बैठक की गई है। आगामी त्योहारों को लेकर ये बैठक आयोजित हुई है और सभी के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए, सभी से संपर्क करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत भी की गई है। बहुत सी समस्याएं बैठक में उपस्थित रहे गणमान्य लोगों के द्वारा बताई गई, जिन्हें नोट कर लिया गया है। आने वाले दिनों में सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। एडीजी ने कहा कि आगामी त्योहारों को लेकर प्रभावी पुलिस व्यवस्था मुकम्मल की गई है और शांतिपूर्ण तरीके से आगामी त्योहारों को संपन्न कराने की कोशिश रहेगी। इस दौरान एडीजी ने कहा कि मुख्य रूप से ट्रैफिक को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई है। ट्रैफिक को लेकर एक स्पेशल प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे कि कम से कम जाम की स्थिति उत्पन्न हो सके। तो वहीं धनतेरस के दिन भी सादे कपड़ों में पुलिस बाजारों में तैनात रहेगी और सीसीटीवी कैमरा तथा ड्रोन कैमरे से संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी जाएगी। मुरादाबाद जनपद में पीस कमेटी बैठक आयोजित की गई थी। आने वाले पर्व जो त्यौहार हैं उसको लेकर के जनता के साथ सहयोग स्थापित करके सभी पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आज पीस कमेटी बैठक में लोग आए थे और कई समस्याएं लोगों ने बताई। उन समस्याओं को नोट कर लिया गया है और हम सभी आने वाले दिनों में उनका निराकरण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो भी पर्व आ रहे हैं उसमें प्रभावी पुलिस व्यवस्था रहे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई घटना ना होने पाए और शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हम सभी ये त्यौहार संपन्न करें। मुख्य रूप से ट्रैफिक को लेकर के कुछ समस्याएं बताई गई हैं। ट्रैफिक को के लिए हम लोग एक विशेष प्लान बना रहे हैं, जैसे कि कम से कम जाम की स्थिति उत्पन्न हो। इसके अलावा धनतेरस के दिन लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, भीड़भाड़ रहती है, उसमें भी हमारी व्यवस्था बेहतर रहेगी। सादे कपड़ों में और महिला पुलिस बल को भी लगाया जाएगा। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी हम लोग संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखेंगे। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। सोशल मीडिया में भी कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट अगर आ रहा है उसको भी आइडेंटिफाई करके हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे।